पहाड़ के लोगों के पास कई पारंपरिक नुस्खे होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गाय और भैंस के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहाड़ों में लकड़ी की राख को भी जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोकल 18 से खास बातचीत करते हुए वृक्ष प्रेमी किशन मरला बताते हैं कि राख में मौजूद कैल्शियम और पोटेशियम पौधे की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होते हैं। इसको खेत में डालने से रासायनिक दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। राख दीमक को नियंत्रित करती है। राख सूखी और गीली मिट्टी दोनों के लिए फायदेमंद होती है। फिर भी राख का जैसा महत्व है, कहीं पर भी अगर आपको राख मिलती है जैसे मंदिरों में, धुनी में या कहीं पर से भी या कोई कार्यक्रम में, तो उस राख को आप इकट्ठी करें, अपने किचन गार्डन में आप उसे डाल सकते हैं, अपने बर्तन साफ कर सकते हैं, फूलों और खेती में डाल सकते हैं। राख से क्या होता है कि जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो सारे उससे नष्ट हो जाते हैं और अच्छी फसल उससे होती है। और इस हिसाब से जो पहाड़ों में अपने खेतों खलिहानों में आग लगाने की जो परंपरा थी, उसका भी यही था कि सूक्ष्म रूप से आग प्रज्वलित करके सूक्ष्म कीटाणु को, जिनसे हानिकारक जो फसल और बीज को नुकसान कर देते हैं। तो आज जिस प्रकार से हम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, मेरा सरकार और जो छिड़काव या दवा निर्माण कंपनियां हैं, तो वो भी इस प्रकार का करें कि जितने होटलों में या रेस्टोरेंट में जहाँ भी लकड़ी का और कोयले का या किसी प्रकार से हमारे वहाँ जैसे पराली या उससे जो भूसा निकलता है, उसका अगर हम राख बनाकर भी किसानों को उपलब्ध कराएं, तो जैविक खाद का काम भी करेगा और हमारे नदी नाले भी सारे हिसाब से स्वच्छ बनाए रखेंगे। और क्योंकि आज जो हर घर में जो खाना बनता है रसोई गैस से बनता है, सोलर ऊर्जा से बनता है, और इसलिए राख की जो उपलब्धता बहुत कम है, और जहाँ कहीं भी राख हो तो उसे बचा लिया जाए। बागेश्वर से लोकल 18 के लिए लता प्रसाद की रिपोर्ट।